हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं अपनी कज़िन का इंगेजमेंट और मैरिज व्लॉग शेयर करूंगी। तो ये है मेरी कज़िन दीपिका और ये मेरी बुआ जी की सेकंड नंबर वाली डॉटर है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोग के साथ शेयर किया था। तो बस इसकी 21 जून की शादी थी एंड 19th ऑफ जून को इसकी इंगेजमेंट हुई थी। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कज़िन की इंगेजमेंट दिल्ली में एक हॉलमार्क बैंक्वेट है वहाँ पे था। तो हम सब लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो बस चार पांच कार हम लोगों की गई थी। तो एक कार में मैं, भाभी, भाभी का ब्रदर, ये जो आपको दिख रहा है यत का भाव, मेरा भाई गोपाल और हमारा एक फ्रेंड है छोटू, हम सब लोग गए थे। बस हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पर। तो ये है डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन के पास में ही 5-6 रूम्स बुक थे जहाँ पर कि हम लोगों को रेडी होके आना था। तो पहले हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद हम डेस्टिनेशन पर आएंगे। तो ये है डेस्टिनेशन हॉलमार्क बैंकेट जो कि दिल्ली में ही है। तो इस तरीके के 5-6 रूम्स थे जो कि वेन्यू के जस्ट पास में ही थे। तो बस हम सब लोग रेडी होके अब जाएंगे। तो दिस इज़ मी विद माई भाभी और बच्चों को बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऑल्दो जो हॉल और रूम्स थे वो एसी थे बट स्टिल बच्चों को मैंने बहुत ही कम्फर्टेबल पहनाए थे, इन लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। बस रेडी होकर आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जो अभी मैंने आपको दिखाई थी हॉलमार्क। तो वेन्यू जो था वो बहुत ही अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और फूड भी बहुत ही डिलीशियस था। तो ये वाली जो रो है ये स्नैक्स की थी। स्नैक्स में पानी पूड़ी, आलू टिक्की, पालक चाट, मूंग दाल चीला, मुरादाबादी दाल, पाव भाजी और भी काफ़ी कुछ था और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। आप सेल्फ भी खा सकते हैं और इवन यहाँ पर वेटर्स भी थे जो कि आपको टेबल पर ही सर्व कर रहे थे। तो देखिए कितना अच्छा वेन्यू है। तो बहुत ही अच्छा रहा था इंगेजमेंट का प्रोग्राम एंड स्नैक्स में पालक चाट बहुत ही डिलीशियस थी। एंड नॉट ओनली दिस, फ्रूट्स के भी बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने आके फ्रूट्स और स्नैक्स किया और सभी लोगों ने डांस भी किया था। तो मैं आपको म्यूज़िक तो नहीं सुनवा पाऊँगी अदरवाइज़ कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यत्का ने डांस किया था 52 गज का दामन पर और जब हम लोगों ने स्नैक्स कर लिया था और थोड़ा बहुत डांस कर लिया उसके बाद एंट्री हो गई थी मेरी कज़िन दीपिका की जो कि पार्लर में रेडी होके आई थी। और दीपिका का नाम आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में मिनी शेयर किया है, इसका घर का नाम मिनी है। तो ये है मेरी कज़िन दीपिका। और तो एंट्री पर ही पिक्स हुई, वीडियोस बनी एंड देन इन लोगों का थोड़ा सा डांस हुआ। अगेन म्यूज़िक शेयर आप लोगों के साथ नहीं करूँगी। तो यत्का भव ने पहली बार रिंग सेरेमनी का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था और इन लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। जब मैं US में थी तो ये लोग बोल रहे थे मम्मा मैरिज में क्या गेम्स होते हैं, मैंने कहा नहीं, तो बोले देन वो तो बोर हो जाएगा, बट इन लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। तो जो वेन्यू था उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था, आप जो ऊपर का जो एरिया है वो देख सकते हैं, आसपास भी काफ़ी अच्छे मिरर्स लगे हुए थे तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और यहाँ पर उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉज हैं वो मिलकर उसका कर रही हैं मेकअप जिसको कि रोका कहा जाता है। एंड्रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम होने के बाद सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे किया डांस। तो यहाँ पे आपको मैं दिख रही होंगी, मेरी भाभी मेघा दिख रही होंगी, मेरी एक कज़िन है शालू दीदी वो भी दिख रही होंगी, बच्चे दिख रहे होंगे, काफ़ी लोग दिख रहे होंगे। तो मिलकर फिर बहुत सारा डांस हुआ एंड देन उसके बाद हम लोगों ने किया लंच। एंड जो स्टेज डेकोरेशन थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी एज यू कैन सी। तो दीपिका का रिंग सेरेमनी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद हम मथुरा ही रिटर्न हो गए थे। नेक्स्ट डे दीपिका के घर पर था हल्दी और तेल का फंक्शन, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। I'm not afraid to die.
सर को। तो हल्दी और तेल के फंक्शन में जो ब्राइड होती है उसको हल्दी लगाई जाती है, तेल चढ़ाया जाता है और साथ में उसकी जो रिस्ट होती है उस पर कलावा जैसा बांधा जाता है जो कि शादी के बाद उसकी जो ससुराल है उसमें खोला जाता है और साथ में गाने भी गाए जाते हैं। तो हल्दी का प्रोग्राम 20 को था और आज डेट हो गई है 21। आज है मेरी कज़िन की शादी, अगेन दिल्ली में ही है। तो चलिए आप लोगों के साथ उसकी शादी की भी कुछ क्लिपिंग शेयर कर लेती हूँ। तो ये है शादी वाले दिन का वेन्यू और जो वेन्यू था उसी में रूम्स थे जहाँ पे कि हम लोग रेडी हुए थे। तो बस हम लोग अपना सामान अपने रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो कम से कम 8-10 रूम्स थे एंड जो कि हम लोगों के लिए सफिशियंट थे। और वेटर्स ने रूम में ही जूस स्नैक्स दे दिया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने आकर स्नैक्स वगैरह ले लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वेन्यू। तो ये है वेडिंग वाले डे का वेन्यू, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू था और यहाँ पर भी वेटर्स आपकी ही टेबल पर स्नैक्स जूसेस ला रहे थे और स्टेज भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था एज़ यू कैन सी। तो स्टेज के राइट हैंड साइड भी सिटिंग अरेंजमेंट था और लेफ्ट हैंड साइड भी था और लेफ्ट हैंड साइड फेरे का डेकोरेशन करी थी, फेरे वाले एरिया का। और हम लोग चाहें तो खुद भी स्नैक्स ले सकते थे। स्नैक्स एरिया एकदम सेपरेट स्टेयर्स के ऊपर किया गया था। तो सबसे पहले स्नैक्स किया और यहाँ पे जो फोटोग्राफर थे वो सभी गेस्ट के एक एक करके फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। तो मैं आप लोगों के साथ अभी फ़ोटो शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जो फ़ोटोग्राफ़र हैं ये सभी के अलग से फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। तो जैसे जो लोग कपल के साथ आए उनकी कपल के साथ ले रहे थे और जैसे बच्चों के अलग ले रहे थे या जो हस्बैंड के साथ नहीं आए हैं इंडिविजुअल भी आए हैं तो उनके इंडिविजुअल फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। तो यहाँ पर भव और यत का अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। तो ये है भव का आउटफिट और इसमें ब्लेज़र है, जीन्स टी शर्ट हैं और यत्का को मैंने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनाई थी। तो इस तरीके का आउटफिट दोनों ही बच्चों को मैंने पहनाया था एंड दिस इज़ मी। तो मैंने जो आउटफिट पहना था वो पिंक और ब्लू कलर का पहना था। तो मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस वेन्यू का। और शादी वाले दिन भी बच्चों ने डीजे पर बहुत इंजॉय किया, स्पेशली भव ने। और अब बस थोड़ी ही देर में एंट्री होने वाली है ब्राइड की। और ये है मेरे पापा वाइट कुर्ता पजामा में जो कि भव के साथ खेल रहे हैं। और अब ये जो आ रही हैं ये है मेरी मम्मी और बुआ जी। तो बुआ जी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, मम्मी ने लाइट पहनी है। और जहाँ पर रेडी होने के लिए रूम्स दिए थे वहीं पर स्विंग था, तो ये दोनों ही बच्चे वहाँ पर बार बार आके स्विंग कर ले रहे थे। इनको बड़ा ही अच्छा लगा इस वाली शादी में। तो बस यहाँ पर हो रही है वरमाला और उसके बाद फेरे और बाकी के प्रोग्राम्स होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।